कोई ऐसा वाक्या किबला शाह साहब का जो आपके लाइफ में जिसने कोई तब्दीली लाई हो या कोई यादगार वाक्या उनके साथ गुजरा हो? क्योंकि ऐसा वाक्या शाह साहब सिखाने के मामले में इतने उनको उनको क्रेज था या इतना वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है वो डूबे हुए लोग थे। एक बार ऐसे हम लोग सफर कर रहे थे, मैं पाक पतन रात को पढ़ा और अगले दिन हमने जेलम पढ़ना था शाह साहब के साथ मुझे सफर करने का भी। तो जेलम से वापसी पे हम बस में सफर कर रहे थे। अच्छा, बस में सफर तो गाड़ियां होती थी। जी 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 जी। तो उन्हें शाह साहब गाड़ी तो होती थी लेकिन शाह साहब ड्राइव खुद नहीं करते थे, मतलब वो कोशिश उनकी होती थी कि ड्राइवर वगैरह में सफर किया जाए, ज्यादा उनके लिए सुटेबल होता था तबीयत के लिहाज से। तो मुझे भी शर्फ हासिल हुआ तो गाड़ी के अंदर ही किसी मतलब अननोन पर्सन बंदे का, मतलब जो उनके बकायदा शागिर्द भी नहीं था, उसका फोन आया। तो वो कहते कि शाह साहब, वो कहते कि मैंने आपको सबक सुनाना है। जी बेटा सुनाए। अब मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि शाह साहब के साथ में बैठा हूँ। अच्छा। तो साथ शाह साहब बस में ही उसको सिखाना। अच्छा। देखिए आजकल ऐसे अजीम लोग कहाँ मिलते हैं, किसी नाथ खान को कहें हमें नाथ सिखाएं, वो कहते मेरे पास वक्त ही नहीं है। ठीक है, वक्त होने के बावजूद वो सिखाना ही नहीं चाहते, फैज को आगे डिलीवर करना ही नहीं चाहते। हालांकि उनका तरीका वतीरा उनका ये था कि वो इस चीज को आगे वैसे जो है ना वो इल्म जो है वो देने से बढ़ता है। तो उन्होंने इस चीज को बकायदा अपनी अमली जिंदगी में वो इस चीज को लेके आए। और हमने देखा कि थोड़ी देर उन्होंने उसको बच्चे को सिखाया, एक दो चीजें उनको बताई। थके हुए थे सफर से, रात भी सफर था, दिन को भी आगे महफिल में, तो फिर वापसी आ रहे थे हम लोग। तो मुझे माई कहते हैं बेटा जिशान बेटा है दस थोड़ा जे। अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको बता के फिर उसको मैंने कहा कि बेटा भाई के वो शाह साहब जो है वो सफर में है, तो अब आप फिर कभी फोन करिएगा। तो फिर मैंने फोन बंद होने के बाद शाह साहब उसकी बिला उसको कहा कि शाह साहब क्या आप इनकार मतलब आप बता देते कि मैं सफर में हूँ? कहते बेटा की करा, मेरे को सरकार दी ना दा जो भी कोई पूछे तो मेरे को इनकार ही नहीं। वाह वाह वाह। कल सरकार दे बारगाह च कह देवे कि मैं मंजूर को नैन को पूछया सी तो उन्होंने मुझे दस्या, उन्होंने मुझे इनकार किया। क्या बात क्या बात। इतनी उनका तकवा, सरकार की बारगाह में इतना तकवा, अल्लाह की बारगाह में इतना तकवा। तो वो बड़े मिटे हुए और बड़े अजीम लोग थे, अल्लाह ताला उनको वरी करामत करे और उनके दरजात में मजीद बुलंदियां और कब्र पर करोड़ करोड़ हां बरकत रहमत नाज़िल फरमाए।